हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक मॉडिफिकेशन लेके आ गए हूँ हमारी एंटॉर्क के ऊपर। जो हमारी एंटॉर्क है उसका जो डीआरएल है उसका ऊपर हम लोग रैपिंग करने वाले हैं रेड कलर और ब्लू कलर की। तो गाइस, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे खोलता है हेडलाइट और कैसे रैपिंग करते हैं, पूरा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं स्कूटी के पास। ओरिजिनल जो डीआरएल है आप लोग देख लीजिए, इसके ऊपर हम लोग रैपिंग करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग जो पहले बोनेट खोलेंगे सामने का, खोलने के लिए जो हैंडल के नीचे जो स्क्रू डोर रहते हैं वो हम लोग अनस्क्रू कर लेंगे। करने के बाद जो बोनेट है उसका अंदर दो स्क्रू रहते हैं हेडलाइट खोलने के लिए और हेडलाइट के नीचे दो। और सब खोलने के बाद ऐसे लुक आती है हमारी एंटॉर्क की। पूरा फेयरिंग हम लोग खोल दिया है। तो हेडलाइट खोलने के लिए जो तीन क्लिप रहते हैं वो तीन क्लिप हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद पूरा फेयरिंग से हमारी हेडलाइट पूरा अलग हो जाएंगे। तो गाइस, ऐसा ही लुक आएगा, आप लोग देख लीजिए पूरा हेडलाइट खोलने के बाद हमारी। तो पूरा नीचे वाले तो स्क्रू खोलने से वो प्लास्टिक हट जाएगा और पूरा सारी तरफ आपको लॉक नज़र आएंगे। और ऐसे ही लॉक आप लोगों को दिखाई देगा, ये पूरा लॉक आप लोगों का अनलॉक कर लेना है। और एक हीट गन की ज़रूरत है, आप लोग नहीं ये खोल नहीं सकते। तो गाइस, हम लोगों ने ब्लू कलर और रेड कलर की पेपर लगाने वाले हैं इसके ऊपर। और आप लोग के हीट गन की ज़रूरत है, नहीं ये काम कर नहीं सकते। तो पहले हम लोग हेडलाइट की चारी तरफ से अच्छे से हीट कर देंगे, जो आटा है वो निकल जाएंगे। तो पूरा चारी तरफ आप लोगों का अच्छे से हीट दे देना है। हिट देने के बाद ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हेडलाइट पूरा निकल जाएंगे, ठीक है, स्क्रू के मदद से। तो पूरा हम लोग इसका जो हेडलाइट के ऊपर प्लास्टिक रहते हैं वो निकल लिए हैं। और जो देख पा रही है हमारी ओरिजिनल जो बल्ब है वो दिख पा रही है। तो वैसे हम लोग जैसे रैपिंग कर रहा हूँ ऐसे करेंगे आप लोग, नहीं तो कोई रैपिंग वाले शॉप पे जाके कर लेना और एक्सपर्ट की मदद लेना, ठीक है। खुद ट्राई मत करना, आप लोगों को आता है तो कर लेना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है।
तो गाइस हमारा पूरा जो रैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोग एक काम कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते हो तो कोई एक्सपर्ट के पास चले जाना, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का जो स्कूटी है नुकसान हो सकती है। तो आप लोगों को एक फाइनल लुक दिखाता हूँ, ऐसा ही है हमारी एंटॉर्क की, पूरा DRL गजब लगेंगे। तो गाइस इसका जो कवर है प्लास्टिक का, वो चारों तरफ जो ग्लू लगा है हीट गन की मदद से हम लोग हॉट कर देंगे, ग्लू को करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा से पेस करना, नहीं तो टूट जा सकती है। थोड़ा थोड़ा हीट दे के आप लोग टाइट कर देना। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो कोई भी शॉप पे जाके एक कर लेना जहाँ पे रैपिंग होती है बाइक का इस और फोर व्हीलर का, ऐसे ही स्टिकरिंग का शॉप पे जाके ये कर लेना। खुद ट्राई कर सकते हो कि रिक्स लेना होगा। इस देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है हमारी एंटॉर्क की DRL। तो गाइस चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग एक बार टेस्ट करने वाले हैं, ऑन करता हूँ, देख लीजिए आप लोग ऐसे ही लुक आ रही है कितना अच्छा। तो गाइस इसको हम लोग लगा देते हैं फेयरिंग पूरा, तो ऐसा ही पूरा फेयरिंग हम लोगों ने लगा दिए और इसका लुक देख पा रहे हैं। ऑफ है ये, अभी ऑन होने के बाद मस्त लगेंगे। तो ऑन करता हूँ, तो इस चलिए आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। गाइस आशा रखता हूँ हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और ऐसे ही यूनिक मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही यूनिक मॉडिफिकेशन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ हमारे इस चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।